हेलो गाइस वेलकम टू मैं गए गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड हम कर रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस तो डेली न्यूज़ एनालिसिस के अंदर आज जो हमारे पास टॉपिक्स हैं एक तो है अक्टूबर का जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ जो काफ़ी अच्छा आया है 1.51 लाख करोड़ इसको स्टडी करेंगे इसके ऊपर एक आर्टिकल बहुत अच्छा आया हुआ है दो हिंदू में प्लस उसके अंदर स्टेट वाइज डाटा भी दिया हुआ है तो हम स्टेट वाइज परफॉर्मेंस से भी देख सकते हैं कि कौन सा स्टेट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमें इसको देखना है उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ फ्री बीज़ यानी कि हम ये फ़्री कर देंगे हम वो फ्री कर देंगे मतलब चीज़ों के बदले वोट लेना लैपटॉप दे देंगे दे दे दे, ये दे देंगे दे, वो दे देंगे दे। ये तो जो फ्री बीज़ वाला इशू है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने थ्री जजेस बेंच के सामने लिस्ट होना है इसके ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ है और इसने दो के जो जजमेंट्स हैं उसको भी डिस्कस किया है जिसके अंदर कहा गया था कि फ्री बीज़ करप्ट प्रटिसिस की डेफ़ीशन के अंदर तो फॉल नहीं करता बट कहीं ना कहीं ये इंड्यूसमेंट ज़रूर है तो करप्शन होना और इंड्यूसमेंट होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो उनकी बारे में जो है डिस्कशन उस जजमेंट में की गई थी तो अब जो पटिशनर्स हैं वो कह रहे हैं कि करप्शन और इंड्यूसमेंट में आप कह रहे हो फ़र्क है लेकिन इंड्यूसमेंट से ही तो करप्शन क्रिएट होती है मैं इंड्यूस कर रहा हूँ कि मैं तो जो लैपटॉप दे दूँगा तो मुझे वोट दे हम कैश की जगह एक इंड्यूसमेंट दे रहे हैं कि मैं तो जो लैपटॉप सरकार के खाते से दिलवा दूंगा तो इंड्यूसमेंट भी तो एक किस्म की करप्शन है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट होने वाला है एंड इट कुड अगर एक पॉजिटिव फैसला आया जो हम सबको पता है क्या आना चाहिए तो एक पूरा फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट जो है वो चेंज हो सकता है इंडियन इलेक्शंस का क्योंकि आपको पता है कि कुछ पार्टीज़ तो सिर्फ फ्री की चीज़ें हैं कह के हम फ्री बिजली दे देंगे दे दे दे, फ्री पानी दे देंगे दे, फ्री मकान दे देंगे दे दे, इन्हीं चीज़ों से सत्ता में आती हैं और प्रैक्टिकली उनके पास कुछ होता नहीं है तो वो सारी की सारी जो माल प्रैक्टिस हैं वो कर्व हो सकती हैं और फिर जो इनकॉम्पिटेंट लोग या स्वार्थी लोग जो इलेक्शंस में आते हैं वो भी कम हो जाएंगे क्योंकि उनके पास इस तरह की जब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हो गई नहीं तो लोग उन्हें सपोर्ट ही क्यों करेंगे उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज़ तो जो हमारा टाइगर रिजर्व है मधुमलाई में इसका हमने मैप एनालिसिस भी करना है वहाँ पर एक इन्वेसिव प्लांट की स्पीशीज़ जो है वो ग्रो हुई अब वो टरी बन गई है और अब वो पूरे के पूरे टाइगर रिजर्व को जो है अफेक्ट कर रही है तो इन्वेसिव स्पीशी क्या होता है मैप एनालिसिस में देखेंगे कि इस टाइगर रिजर्व की लोकेशन क्या है और क्या कुछ पोटेंशियल हैजर्ड्स ये हमें कॉज कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ऑफ द टाइगर रिज़र्व इन सब चीज़ों को हमने स्टडी करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से जी एस थ्री का पार्ट बनेगा इसके अलावा हमारा एक रोज़ की तरह प्री, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा एम सी क्यू का एक मेज का क्वेश्चन होगा एंड लास्ट में हम एक टॉपिक को रिवाइज भी करेंगे सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट स्टार्ट विद द वीडियो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन है अबाउट साइंस एंड टेक जेनेटिक एंड चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट तो जेनेटिक चेंग्ज या स्पर्म्स में क्रिएट कर सकते हो जिससे कि ऑफ के जीन्स में चेंजेस आए अ पर्सन जीन कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली स्टेज यानी कि जब जो जीव है वो एम्ब्रियो स्टेज में होता है वो पैदा नहीं होता और उसका सिर्फ़ एग और स्पर्म मिला कर के एक एम्ब्रियो क्रिएट हो रहा है उस टाइम पे आप उसके अंदर जीनोम चेंजेस कर सकते हो जेनेटिक चेंजेस कर सकते हो ह्यूमंस इंड्यूस्ड प्लू प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इन द एम्ब्रियो ऑफ अ पिक तो इंसान के द्वारा स्टेम सेल्स जो हैं वो पिक के एम्ब्रियो के अंदर जो है सक्सेसफुली इंजेक्ट किए जा सकते हैं तो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ा हुआ टॉपिक है तो आप कर सकते हो अटैप्ट अदरवाइज इट्स बेटर टू लीव सच क्वेश्चन क्योंकि अगर आपने एक भी क्वेश्चन एक भी स्टेटमेंट को गलत इंटरप्रेट कर लिया तो आपका माइनस में जाएगा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी हमें बताना है करेक्ट आंसर वन ओनली टू एंड थ्री ओनली टू ओनली वन टू थ्री नेक्स्ट आ जाता है हमारा अक्टूबर जीएसटी एस रिवेन्यू तो अगर हम बात करें जीएसटी uh, ग्रोथ की तो इंडिया के अंदर हम देखते हैं लगातार से आफ्टर कोविड जीएसटी ग्रोथ के अंदर इजाफा देखने को मिला है और इसका जो मेन रीज़न है वो है ऑनलाइन बिजनेस अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है चाहे आपका फूड का बिज़नेस हो जैसे आप स्विगी Zomato पे कुछ बेचना चाहते हो या फिर आप ऑनलाइन जो है सेल करना चाहते हो किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट ठीक है जी तो इन सभी केसेस के अंदर आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है चाहे आपकी जी एस की थ्रेशोल्ड में नहीं आते तो जीएसटी के थ्रेशोल्ड होल्ड हैं जैसे कि 40 लाख से कम की अगर आपकी टर्नओवर है 20 लाख से कम की से टर्नओवर है तो आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं है डिपेंडिंग ऑन बिजनेस तो बिज़नेस लेकिन फिर भी अगर आपने ऑनलाइन बेचना है तो स्विगी जोमैटो अमेज़न ये सब के सब आपसे डिमांड करेंगे कि नहीं आपको जी नंबर देना ही पड़ेगा अदरवाइज़ हम रजिस्टर नहीं करेंगे तो इस कारण से और आपको पता है कि कोविड के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन सर्च हो गया इतनी सारी ई कॉमर्स स्टार्टअप्स आ गए ये सब अपनी वेबसाइट्स के थ्रू ही सामान बेचते हैं इंटर स्टेट सामान बेचते हैं तो दैट इज़ वाई और जो बहुत सारे फैक्ट्री वाले थे वो भी डायरेक्ट बेचने लगे <coughs> जो पहले बी टू बी मॉडल यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल में काम करते थे अब वो बी टू सी या डी टू सी डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल के ऊपर जाने लग गए जिससे कि उनकी सेल जो है वो बढ़ जाती है ऑल इंडिया का उन्हें एक्सपोजर मिल जाता है और प्रॉफिट परसेंटेज भी मिल जाती है क्योंकि बीच में से होल सेलर और रिटेलर्स निकल जाते हैं तो इस सब के कारण हमारी जो जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है एंड पीपल ऑटोमेटिकली कंप्लाई करने लग गए हैं एक ज़माना होता था आप जाके दुकानदार को कहते थे जी हमें बिल नहीं चाहिए आप दो नंबर में कैश में पेमेंट ले लो और वो आपको सेल्स टैक्स वैट वगैरह छोड़ देता था और आपको जो है पेमेंट दे देता था लेकिन अब उसे क्योंकि पता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर सिस्टम जाएगा यानी कि जो आपने जीएसटी दिया है उसके अंदर से आपका जीएसटी माइनस हो जाएगा तो इसीलिए वो कहते हैं नहीं जी मिनिमम बिल तो मैं काटूंगा ही काटूंगा बिल के बिना मैं आपको सामान नहीं दूंगा तो ऑटोमेटिकली एक ट्रांसपेरेंसी भी इससे इंट्रोड्यूस होने लगी लग है तो जो जी के हमारे ऑब्जेक्टिव थे वो डेफ़िनेटली हम यहाँ पर अचीव कर पा रहे हैं हालाँकि फाइलिंग का खर्चा लोगों का बढ़ गया है क्योंकि इसके अंदर मंथली या फिर आप कह सकते हो क्वार्टरली रिटर्न होती हैं फिर जो सी हैं वो ज़्यादा चार्ज करने लग जाते हैं कई बार पर्सन को लॉस हो जाता है तो वो बोलता है कि यार अब मैं लॉस के अंदर भी सीए को पैसे दूँ रिटर्न भरने के तो वो सारी की सारी चीज़ें थोड़ी इशू वाली हैं क्योंकि इतना कोई आप कह लो कि स्मूथ सिस्टम नहीं है कि बंदा ऑटोमेटिकली जो है कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे और वो ऑटोमेटिकली सब कुछ करता रहे और वो पर्सन टेंशन फ्री रहे तो वो एक ऑटोमेशन की कहीं ना कहीं कमी अभी भी हमें नज़र आती है अगर स्टेट्स की बात करें तो हरियाणा के अंदर हाइएस्ट रिवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है थर्टी की और ये बिकॉज इसलिए है क्योंकि गुड़गांव लगता है गुड़गांव के अंदर मैक्सिमम स्टार्टअप्स हमने देखे हैं या तो गुड़गांव के अंदर हैं या बॉम्बे पुणे के अंदर हैं तो गुड़गांव के अंदर इतने सारे स्टार्टअप्स हैं प्लस मैनुफैक्चरिंग हब भी है प्लस आई हब भी है तो इसीलिए यहाँ पे रिकॉर्ड ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिली है इसके अलावा फिर कर्नाटक आ जाता है अगेन आई हब है थर्टी थ्री परसेंट फिर केरला ट्वेंटी नाइन परसेंट वेस्ट बंगाल ट्वेंटी सिक्स परसेंट तमिलनाडु ट्वेंटी फाइव परसेंट लेकिन आप ये देखिए कि वो कितने बड़े स्टेट्स हैं एज़ कम्पेयर टू हरियाणा तो, तो उस हिसाब से हरियाणा का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर रहा है और अगर हम स्लोअर देन नेशनल एवरेज की बात करें तो नेशनल एवरेज जो आई है वो ऑलमोस्ट अठारह परसेंट की आई है और स्लोअर देन नेशनल एवरेज के अंदर आपके स्टेट्स आ जाते हैं जैसे तेलंगाना मध्य प्रदेश राजस्थान यूपी तो इन जगहों पे इससे हमें क्या पता चलता है एक तो स्टार्टअप कल्चर नहीं आ रहा है सेकेंडली लोग नया बिजनेस नहीं शुरू कर पा रहे हैं या फिर वो ऑनलाइन जो सुविधाएँ हैं जोमेटो स्विगी अमेजोन फ़्लिपकार्टन इनके ऊपर लिस्टिंग से सामान नहीं बेच रहे हैं एक तो ऑनलाइन की ग्रोथ कम है एंड सेकेंडली जो ऑफलाइन बिजनेस है उसके अंदर कोई खास तेज़ी नहीं आई है अगर हम बात करते हैं नेगेटिव ग्रोथ की तो कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जो आपके नॉर्थ ईस्ट के हो गए और जो और थोड़े से आपके ईस्टर्न स्टेट्स हो गए छत्तीसगढ़ असम, मिज़ोरम मणिपुर, बिहार जहाँ पे आपको नेगेटिव जो है ग्रोथ देखने को मिली है एंड जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर के अंदर आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है ऑल लद्दाख ने अच्छा परफॉर्म किया है लद्दाख के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है तो ये सारी अगेन स्टेट्स हुई हैं जहाँ पे थोड़ी सी साक्षरता दर कम है ठीक है लिटरेसी कम है इंटरनेट की पेनिट्रेशन कम है स्टार्टअप कल्चर के बारे में नॉलेज कम है तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं कम होने के कारण भी शायद यहाँ पर हमें कम ग्रोथ देखने को मिलती है तो जैसे जैसे जो छोटे दुकानदार हैं वो ऑनलाइन बिजनेस को अडॉप्ट करेंगे यूपी बिहार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश इन एरियाज़ में और नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ में और यहाँ पे इंटरनेट पेनिट्रेशन फास्टर इंटरनेट पेनिट्रेशन वेबसाइट डेवलपमेंट ये सब चीज़ें आएंगी तो वहाँ पर भी हम एक रैपिड ग्रोथ देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है तो आप देखो कि कम पॉपुलेशन वाले में अभी हायर ग्रोथ है तो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले में जब चीज़ें पेनिट्रेट करेंगी तो वहाँ पर हमें एक एक्सपोनशियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है तो ओवरऑल इट्स ऑल अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रीबीज की तो आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहे ए हो बी हो सी हो ये जब भी इलेक्शन होते हैं तो कहते हैं हम ये फ्री दे देंगे फ्री लैपटॉप दे देंगे फ्री मोबाइल दे देंगे फ्री में बिजली दे देंगे पानी दे देंगे ठीक है तो इस तरह के बकवास बाहे करके बेसिकली वोट्स को खरीदा जाता है राइट तो इट्स बाइंग वोटर्स उसके बाद जो वोटर्स हैं वो कौन बिकते हैं जो कि थोड़े से ज़रूरतमंद मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या फिर आप कह लो मिडिल क्लास भी ही दो लोअर मिडिल क्लास लगा लो या फिर जो बी पी एल बिलो पॉवर्टी लाइन इस तरह के लोग होते हैं ये ज़्यादा बिक जाते हैं और जो रिच है उसको फ़र्क नहीं पड़ता और जो मिडिल क्लास है वो बेचारा इनसे रिलेट नहीं कर पाता क्योंकि ये जो फ्रीबीज होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइंड होते हैं कि मिडिल क्लास वाला बंदा तो इससे एक्सक्लूड ही हो जाता है राइट तो ये जो बल्क पॉपुलेशन है उसको एक इन्फ्लुएंस करके इंड्यूस करके वोट ले लेते हैं ताकि खुद पावर पार्टी को पावर में ला सकें इट्स अ वेरी बैड माल प्रैक्टिस जिसके अगेंस्ट दो हज़ार तेरह के अंदर केस भी हुआ था लेकिन उसके अंदर ये हेल्ड किया गया था कि जो आर्टिकल सेक्शन नंबर वन ट्वेंटी थ्री है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का वो करप्ट प्रैक्टिस को डिफाइन करता है और करप्ट प्रैक्टिस के अंदर किसी भी तरह की फ्रीबीज कि हम सरकार में आ गए तो हम आपको ये देंगे इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एम्बिट ऑफ करप्ट प्रटिसेज तो इसीलिए इस चीज़ को कहीं ना कहीं वैलिड कर दिया था आप लगा लो एंड उसके बाद इसका और ज़्यादा मिस होने लग गया कैसे मिस यूज़ होने लग गया आपको पता ही है कुछ स्पेसिफ़िक पार्टीज़ तो ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी बात के ऊपर फोकस करती हैं कि हम आपको ये चीज़ फ्री दे देंगे तो हमें आप वोट दो और वो इस तरह से पावर्स में भी आने लग गई हैं तो वो जो इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमें कर्ब करने हैं इसीलिए एक सेपरेट केस फ्रेश केस जो है डिवीज़न बेंच सुप्रीम कोर्ट के आगे लगा जिसको कहा जा रहा है कि तीन जजेस बेंच के आगे लगाया जाएगा जो इसको इंटरप्रेट करेगा और 2013 हज़ार के जो जजमेंट था उसको भी इंटरप्रेट करेगा कि वो किस तरीके से फ्री बी इसको केटर कर रहा था और प्रेजेंट सिचुएशन क्या है अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो वो इंड्यूसमेंट है अगर मैं आपको कहता हूँ कि ये लो दस हज़ार रुपये और मेरा काम कर दो तो ये तो करप्शन होगी वो दस हज़ार रुपये मांग रहा है ये भी करप्शन होगी लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ तुम मेरा काम कर दो और मैं तुम्हारे घर एल ई डी लगवा दूंगा तो ये आप कह रहे हो कि इंड्यूसमेंट है एंड इट इज़ नॉट अ करप्ट प्रटिस बट अल्टीमेट इफेक्ट तो करप्शन ही आ रहा है इसका इंड्यूसमेंट हो के वो बंदा वो काम कर रहा है जो शायद वो ना करता ठीक है या उसे नहीं करना चाहिए था तो इंड्यूसमेंट तो आई गया बल्कि सरकारी खाते से इंड्यूसमेंट आ गया क्योंकि फ्री आप कहाँ से दे रहे हो टैक्स पेयर के पैसे जिससे दे रहे हो टैक्स पेयर का पैसा जो सरकार के पास इकट्ठा हुआ है डेवलपमेंट पर्पसिज से तो ये तो अपने आप में और भी ज़्यादा घोर अपराध है कि आप एक टैक्स पेयर का पैसा जो एक क्लास फोर एम्प्लॉई भी है एक ड्राइवर है माली है वो भी बेचारा टैक्स दे रहा है ठीक है गरीब से गरीब आदमी भी इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है जीएसटी दे रहा है चिप्स का पैकेट खरीदने में भी, भी टैक्स दे रहा है उसका पैसा आप फ्री बीज में उड़ा रहे हो कि फ्री बिजली दे देंगे फ्री पानी दे देंगे फिर फ्री लैपटॉप दे देंगे फिर मोबाइल दे देंगे तो ये तो अपने आप में और भी ज़्यादा डिमीनिंग चीज़ है और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है उसको भी हार्म करती है राइट right. तो इसी पॉइंट के ऊपर जो है ये जो जजमेंट है ये आने वाला है तीन जजेस इस पर जो है सुनवाई करेंगे सो लेट्स सी इसमें क्या जो डिस्कशन है वो होती है अभी आज ऑफ नाउ आपको ये याद रखना है कि करप्ट प्रैक्टिसेस जो है दैट इज़ अंडर सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एंड दो हज़ार तेरह के जजमेंट में कहीं ना कहीं एश्योरेंस ऑफ रीबीज जो था उसको कहा गया था कि करप्ट प्रैक्टिस के डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करता है उसी को यहाँ पर रिविजिट किया जा रहा है आप लोगों के क्या विचार हैं इसके बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट आ जाते हैं मधुमलाई टाइगर रिजर्व पे इन्वेसिव ट्री स्पीशीज पे तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है तो ये आप मैप में इस एरिया को देख सकते हो सो so ये एरिया बेसिकली आप कह लो बॉर्डरिंग एरिया है तमिलनाडु केरला और कर्नाटका का ठीक है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है और यहाँ पर जो है टाइगर रिजर्व भी है और इस टाइगर रिजर्व के अंदर एक इन्वेसिव uh, स्पीशी जिसका साइंटिफिक नाम है सेना स्पेक्टेबिलिस ये आ गई है जो कि येलो फ्लावर्स जो हैं बुशेस ही लगाओ ट्री भी क्या बुशेस ही हैं बुशेस मतलब जैसे थोड़े से ट्री लेंथ के आप तो कह लो झाड़ ठीक तो है तो बुशेस ही हैं जो कि फैल रही हैं एंड uh, अगेन नीलगिरीज के अंदर ये लोकल uh, नहीं है वहाँ की तो ये बाहर से आई है एक नेटिव स्पीशीज़ नहीं है और नेटिव स्पीशीज़ को रादर ख़त्म कर रही है तो इन्वेसि स्पीशीज़ क्या होता है हमने एक लॉजी के अंदर बार बार पढ़ा हुआ है इन्वेसि स्पीशीज़ वो एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एम्फीबियन भी हो सकता है जैसे कि कोई एम्फीबियन मतलब जो ज़मीन और पानी पर दोनों पर रह ल जैसे फ्रॉग्स प्लांट इंसेक्ट फिश फंगस बैक्टीरिया या फिर किसी तरह का बीज ये सारी की सारी चीज़ें वो होती हैं जो कि लिविंग होती हैं इन्वेसिव होती हैं और हो सकता है कि नेचुरल इकोसिस्टम या ना जो नेचुरल इन्वायरमेंट है नेचुरल प्लांट स्पीशीज़ हैं उनको ये ख़त्म करने लग जाएं इन्वेसि स्पीशीज़ जो हैं वो इन्वेड करती हैं और इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और अगर इनकी जो तादाद है वो फैल जाए तो आपका जो लैंडस्केप है जैसे कि अगर सपोज करो ये पूरा लैंडस्केप है तो इस पूरे में यहाँ पर इन्वेसिव स्पीशीज़ आई और आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो क्योंकि इन्वेसिव स्पीशीज़ तेज़ी से फैलती है तो इट विल कॉलोनाइज होल ऑफ द एरिया तो पूरे एरिया के अंदर ही फैल जाएगी और उसके बाद इसको वीड आउट करना नामुमकिन हो जाएगा इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल कांग्रेस ग्रास कांग्रेस ग्रास एक तरह की इन्वेसि स्पीशीज थी जो आपको हर गली नुक्कड़ पे आज के रेट में दिख जाती है एंड उसका कोई यूटिलिटी नहीं है लेकिन कितना भी कोशिश कर लो आप उसको ख़त्म भी नहीं कर पाते हो इसके अलावा बहुत सारी इन्वेसिव स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो प्लांट्स एनिमल्स या ह्यूमंस के लिए जो आस पड़ोस के हैं उनके लिए ख़तरनाक हो या उनकी फूड चेन को डिस्टर्ब करें या पॉइजनस हो और उनकी लाइफ को भी थ्रेटन करें तो ये सारी की सारी चीज़ें भी जो है इनिशियली इन्वेसि स्पीशीज में दिखाई नहीं देती बाद में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है जो इन्वेसि प्लांट्स होते हैं जैसे कि ये वाला है इसके अंदर एक और प्रॉब्लम आती है कि सॉयल स्ट्रक्चर को चेंज कर देती हैं सॉइल स्ट्रक्चर अब आपको पता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी डीप रूट्स होती हैं ऐसे बचपन में आपने पड़ी है एनसीआर के अंदर रूट्स और कुछ होती हैं जिनकी फैली हुई रूट्स होती हैं तो डीप रूट्स वाले अलग तरह से सॉयल को बाइंड करते हैं फैली हुई रूट्स वाले अलग तरह से बाइंड करते हैं कुछ के अंदर नोड्यूल्स uh, होते हैं जो नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं कुछ के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता कुछ होते हैं जो वाटर पेनिट्रेशन को अट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड वाटर को अट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं कुछ नहीं करते तो जो सॉयल स्ट्रक्चर है जब एक नेटिव uh, स्पीशी की जगह एक इन्वेस्व स्पीशी आ जाएगी नेटिव स्पीशी आपकी ख़त्म हो जाएगी तो सॉयल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा उस एरिया का जिससे कि अगेन बहुत ज़्यादा बायोडावर्सिटी के अंदर चेंजेस आ सकते हैं क्लाइमेट के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं अगर लार्ज स्केल पे हो जाए तो एंड जो फर्टिलिटी ऑफ सॉयल है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है ग्राउंड वाटर भी यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है सो इट्स अ मेजर कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिव स्पीशीज़ अब आ जाते हैं हमारे आंसर पे जो प्रीवियस क्वेश्चन का था तो इसका आंसर है डी ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो जर्मेलाइन जीन थेरेपी ट्रीटमेंट का नाम है जिसके अंदर आप एग्स और स्पर्म्स के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो और उससे वो जो नया वेरिएंट है वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन भी कर जाएगा इसके अंदर हम ह्यूमन एम्ब्रियोज़ को जो है चेंज करना चाहते हैं वुमेन के यूट्रस में जाके तो यानी कि चाइल्ड बर्थ से पहले एम्ब्रियोटिक स्टेज के ऊपर आप वुमेन के यूट्रस के अंदर जो है चेंजेस ला सकते हो जब वो एम्ब्रियो वहाँ पे पैदा होता है इसको हम सी आर आई एस पी आर टेक्नोलॉजी बोलते हैं क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स टेक्नोलॉजी ठीक है तो टेक्नोलॉजी का नाम रखने की ज़रूरत नहीं है इतना याद कर लोगे वो भी बहुत है राइट एंड uh, इससे एक और ज़्यादा फ़ायदा रहता है आपको कि अगर आपके कोई ऐसे जीज हैं जिसमें जैसे एच पेशेंट है राइट तो एच पेशेंट में क्या होता है कि बच्चे को भी एच हो जाता है तो वो आप चीज़ें रोक सकते हो क्योंकि आप उसके वो वाले जो सेल्स हैं उनको या तो डिस कर दोगे या फिर उसको मॉडिफाई कर दोगे तो बच्चे के अंदर एच बर्थ से ही ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो इस तरह से हम और जो बीमारियाँ कैंसर है या और कोई जेनेटिक डिज़ीज़ है उसको भी टैप करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं अगेन uh, उसके बाद जो साइकोलॉजिकल फीचर्स इंसान के हैं और जो पिग्स के हैं वो कुछ ना कुछ आप कह सकते हो मैचिंग होते हैं तो इसीलिए हमने पिग्स के साथ इसको एक्सपेरिमेंट को किया था जो कि स्टेम सेल्स वाला एक्सपेरिमेंट था और वही सक्सेसफुल भी रहा था सो ऑल थ्री आर करेक्ट स्टेट्स लास्टली आ जाते हैं आज के मेनस के क्वेश्चन पे तो क्वेश्चन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है उसने ग्लाइफोस्टेट ये केमिकल है जिसको हर्बिसाइड्स यानी कि कीटनाशक कीट वैसे तो पेस्टिसाइड होता है कीटनाशक पर ये भी सिमिलर चीज ही होती है नाशक की तरह यूज किया जाता है ठीक है हर्बिसाइड्स की तरह यूज किया जाता है आई डोंट नो एग्जैक्ट हिंदी ऑफ हर्बिसाइड्स तो उसके अंदर कहा जा रहा है कि हेल्थ हेजर्ड हैं ह्यूमंस के लिए भी एनिमल्स के लिए भी और इसीलिए इसको जो है हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो आपको ग्लाइफोस्टेट का रूल बताना है इन्वामेंट के अंदर ह्यूमंस या एनिमल्स के ऊपर एंड इसको इन द लाइट ऑफ ग्लाइफोस्टेट हर्बिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स एक्ट ऑफ 1968 में आपने बताना है तो आपका जो इंसेक्टिसाइड्स एक्ट है नाइन्टीन का वो स्पेसिफिकली डील करता है केमिकल से हर्बिसाइड से ग्लाइफोस्टेट से पेस्टिसाइड से तो आपको इंसेक्टिसाइड्स एक्ट के अंतर्गत क्या प्रोविजन हैं क्या वे फॉरवर्ड्स हैं और क्यों इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है और अगर इस रिस्ट्रिक्शन को कोई ना माने तो इंसेक्टीसाइड्स एक्ट क्या पावर देता है किसको पावर देता है गवर्नमेंट को लाइक थ्रू डीसी देता है या थ्रू एसडीएम देता है टू टेक एक्शन एंड वो एक्शन क्या हो सकता? वो हो, सकता, हो सकता है वो फ़ाइन हो सकता है इंप्रिजनमेंट हो सकता है वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड ये एक अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इतना फैल रहा है तो एग्रीकल्चर के बारे में अच्छी चीज़ है तो इसको आप अच्छे से रीड करो फिर आंसर फ्रेम करो कमेंट सेक्शन में डाल देना या टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देना सबसे पहले बात करते हैं एस एम ए एम यानी कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। तो एग्रीकल्चर के अंदर मशीन्स का यूज करना ये इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर अमेंडमेंट्स हुई थी जिससे कि हंड्रेड परसेंट कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर ड्रोन अप टू टेन लाख रुपीज जो भी लेस है उसको ग्रांट की तरह दिया जाएगा अगेन uh, फार्मर्स uh, को सो so दैट की मेकनाइजेशन हो सके इसके अलावा जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गनाइजेशन हैं उनको भी पच्चीस पचहत्तर परसेंट तक की जो ग्रांट्स हैं वो इसमें प्रोवाइड करने की बात की गई है कंसर्न मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और दो हज़ार चौदह में इस स्कीम को हमने लॉन्च किया था अप्रैल में ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके एग्रीकल्चर के अंदर प्लस जो आपकी मशीन हैं उनका मैक्सिमम यूज़ हो जैसे कि हार्वेस्टर्स सोयर्स जा, जैसे कि आपके अमेरिका के अंदर होता है जिससे कि हमारा जो कल्टिवेबल एरिया है उसको हम इंक्रीज़ कर सकें वेस्टेज को रिड्यूस कर सकें और ऑप्टिमम uh, यूज़ हो लैंड का वाटर का मैन पावर का सीड्स का फर्टिलाइजर्स का और यूनिफॉर्मिटी से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सके तो अब जे, जिस तरह से आप ये मशीन देख रहे हो तो ये ना केवल लैंड को टिल कर सकती है जो बड़ी मशीनज होती हैं उसके बाद बीज भी डाल सकती है वीड्स को उखाड़ भी सकती है ठीक है पीछे स्प्रेज लगा देते हैं तो स्प्रेज़ के थ्रू पानी या खाद वो सारी चीज़ें भी कर सकती है तो एक ही मशीन आपको मल्टीपल वैल्यूज़ जो है वो प्रोवाइड कर सकती है और इससे क्या होगा एक तो सारी चीज़ें बराबर की होंगी कि कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा नहीं होगा लैंड पे मैन पावर की कम रिक्वायरमेंट होगी तो घर के जो बाकी सदस्य हैं वो और कामों से पैसा कमा सकते हैं कुछ और कर सकते हैं बच्चे बढ़ सकते हैं एंड सो ऑन और जो आपके बेसिकली छोटे फार्मर्स हैं वो रेंट पे इस तरह की मशीन्स के थ्रू अपनी फार्म्स को हाईटेक कर सकते हैं कलेक्टिव फार्मिंग के लिए भी बहुत अच्छी एक्टिविटी की तरह काम जो है वो करेगा और इससे स्पेशली जो आपके कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स होते हैं जैसे कि लेज का पोटैटो के लिए होता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि उनको पता है एक पर्टिकुलर क्वालिटी की चीज़ हमें चाहिए और पर्टिकुलर uh, मात्रा में ही हमें खाद डालनी है या पर्टिकुलर मात्रा में हमें, हमें पानी डालना है तो वो चीज़ें मशीन ज़्यादा अच्छे से कर पाती है क्योंकि हाथ का काम होगा तो उसमें कम ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं लेकिन मशीन का काम एडिकुएट होता है जितना आपने मशीन में मैंशन कर दिया उतना ही तो वो चीज़ें आपको और ज़्यादा बेनिफिट देती है तो ओवरऑल स्कीम से क्या फ़ायदे हैं मैकेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मशीन्स के uh, इसके अलावा हाई प्रोडक्टिविटी की रिड्यूसिंग ह्यूमन डिपेंडेंस इसके अलावा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स एग्रीकल्चर इकोनॉमी को और सो विद दिस वी हैव द टॉपिक आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे अगर आप यू पी एस की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यू पी एस का अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए जिसके अंदर आपको प्लस आइकॉनिक और लाइट तीन वेरिएंट्स मिल जाते हैं प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है आइकॉनिक के अंदर आपको वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप मिल जाती है जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए मोटिवेशन है स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अन का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा हेल्प करता रहेगा और अगर आप एक वेटरिन एस्पिरेंट हैं आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियाँ जो है वो रह गई हैं जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिविजन क्लासेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट जो है वो भी मिल जाएंगे जो भी कोर्स आप चूज करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं है आप यूज करिए मेरा कोड ए एन आई सेवन ये मेरा रेफरल कोड है इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं टेन परसेंट से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में चाहे आप एक साल का लें दो साल का लें एक छः महीने का लें या फिर आप प्लस लें एकनिक ले लाइट लें सभी में आपके बेनिफिट जो है वो मिलेगा और उसके बाद आपको करना क्या है इसका स्क्रीन मुझे टेलीग्राम पर भेजना है मंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल एड यू टू माई ग्रुप एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हो कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू एन अकेडमी या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या एन अकेडमी से रिलेटेड या कोई आपको नोट चाहिए तो वो सारी चीजें मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा सो दिस वॉज इट फॉर टूडे वीडियो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डे